हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ट्राई टेस्टेड ट्रस्टेड मैं हूं आपके साथ राधा आज मैं लाई हूं मंचिंग के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी कुरकुरी सी रेसिपी मैं लाई हूं नाचोस एक चीज़ी डिप यमी सी क्रीमी सी डिप के साथ और सालसा के साथ और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा शुरुआत करते हैं नाचोस बनाने से इसके लिए हमें डो लगाना है और इसके लिए मैं ले रही हूँ टू पोर्शन मकई का आटा और वन पोर्शन मैदा ले रही हूँ आप जिस भी कटोरी से या कप से मेजर कर रहे हैं उसका एक भाग हमारा मैदा का रहेगा और उसका डबल रहेगा मकई का आटा अब इस तीन कप के जो कॉम्बिनेशन है उसमें मैं डाल रही हूँ फोर टेबल स्पून ऑयल अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा गुनगुना पानी से हम इससे आटा लगाएंगे ताकि इन आटा हमारा अच्छे से ब्रेक नहीं हो और अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर अब इस आटे को मीडियम कंसिस्टेंसी का डो लगाना है और इससे नीड करना है अच्छे से नीड करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है आप इसे मत छोड़िएगा वरना आप जब बेलेंगे जब आप रोल करेंगे नाचोस के लिए तो वो क्रैक्स आ जाएंगे और आपकी ही नहीं टूट टूट जाएंगे तो इसे अगर हम अच्छे से नीड कर लेते हैं तो आपकी जो पूड़ियाँ हैं जो रोटी हम बनाएंगे नाचोस कट करने के लिए वो बहुत ही पतली बनेंगी और अच्छे से एनलार्ज होंगी अब देखिए मैंने कैसे नीड किया अब इसमें विदाउट एफर्ट मैं इसे रोल कर रही हूँ एकदम आराम से एकदम पतली पतली ये रोल हो जाएंगी और जिस भी शेप में आपको काटना है आप इसे कट कर सकते हैं मैंने तो आम तौर पे जो ना नाचोस मिलते हैं ट्रायंगल वही कट करके आपको दिखाया है वरना जैसे भी आपकी इच्छा हो एक ढक्कन से भी आप गोल गोल भी इसे कट कर सकते हैं मैंने इसके साइड्स निकाल दिए हैं पहले अब इसे स्क्वायर स्क्वायर काट करके फिर ट्रायंगल काट रहे हैं जैसे ही आपकी इच्छा हो जैसे आपको सुविधा हो ईज़ी लगे वैसे आप करिए अब इसे कट करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा इसे प्रिक कर दूंगी जितना मैंने मकई का आटा और मैदा लिया था उसमें इतने सारे नाचोज मिल बन जाते हैं जनरली हम बाज़ार से जब लाते हैं तो हमारा मन ही नहीं भरता है और हमारा पैकेट पूरा ख़त्म हो जाता है और बच्चों को तो विंटर सीजन में मंचिंग के लिए कुछ चाहिए ही चाहिए हम सभी को चाहिए कभी चाय के साथ कभी कॉफी के साथ तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अब सब सभी नाचोज़ के पीसेस को मैंने प्रेक कर लिया है और इसे अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई कर देंगे बहुत हाई फ्लेम में या बहुत हाई टेम्परेचर पे हम नहीं करेंगे वरना नाचोज़ हमारे बर्न हो जाएंगे क्रिस्पी नहीं होएंगे, क्योंकि जब ठंडे होएंगे तो वो सौगी पड़ जाएंगे तो जैसे आप नाचोज़ डालें अगर वो तुरंत राइज हो जा रहे हैं दैट मीन्स आपका फ्लेम ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई है आप थोड़ा सा उसे रुक जाए थोड़ा ठंडा करें फिर डालें और अगर धीरे से नाचोज़ ऊपर आ रहे हैं दैट मीन्स द टेम्परेचर इज़ परफेक्ट अब फटाफट से ये नाचोस फ़्राई हो जाते हैं बिल्कुल टाइम ले लगता है इन्हें फ्राई होने में क्योंकि हमने बहुत पतले पतले बनाए थे और मकई का आटा और मैदा एक दूसरे को बाइंड करने के लिए हमें अच्छे से नीड किया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है मैं बार बार आपको बोल रही हूँ नीड ज़रूर अच्छे से करें और वो भी गुनगुने पानी से अब इसे हम सारे सारे नाचोस को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे आप कोई भी सीजनिंग डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर पेरी पेरी यूज़ किया है पेरी पेरी पाउडर डालने से एकदम बाजार वाला फ्लेवर आता है मैं इसे उछाल करके दिखा रही हूँ आपको इसका जो कुरकुरा आवाज़ है जो इसके साउंड है आपको बता रहा है कि मैं कितना कुरकुरा बना हूँ और कितना यमी हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा पढ़ते हैं चीज़ी डिप की तरफ़ लिया है मैंने 200 हंड्रेड नॉर्मल मिल्क और उसमें डाल रही हूँ ग्रेटेड प्रोसेस्ड चीज़ एक कप अब इसे हम कंटिन्यूसली स्टर करते हुए थोड़ी देर चलाएंगे। जब तक हम चलाएंगे ना ये ऑटोमेटिकली गाढ़ा होते जाएगा एक दूसरे के साथ इमर्ज हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा फाइव टू टेन मिनट्स के बाद ये और ज़्यादा कंसिस्टेंसी इसकी थिकन हो जाएगी उसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट पेपर और पेपरिका डाला है मैंने ये ऑप्शनल है जस्ट टू ऐड ऑन अ कलर अगर आपके पास फूड कलर है डाल सकते हैं नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं हमारा जो मकई और आटे का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे पेट के लिए भी बहुत हेल्दी है इसमें कुछ भी नुकसानदायक कुछ भी नहीं है अब देखिए ये जब जो है हमारा जैसे जैसे ठंडा हुआ ना ये और थिकेंड हो गया है तो अब इसे हम कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए हम थोड़ा सा दूध और मिक्स कर देंगे अब इसे हम विस्कर से या ब्लेंडर से अच्छे से स्मूदन कर लेंगे ताकि ये लंपी ना लगे क्योंकि ये थिकन बहुत हो जाता है अब देखिए इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है क्योंकि अब ये थोड़ी देर में और थिकन हो जाएगा अब बढ़ते हैं सालसा की तरफ सालसा इस कुछ नहीं है एक मिक्सर है कटे हुए सैलड या कटे हुए फ्रूट्स का जैसे भी आपको कोई भी इच्छा हो आपके मनपसंद उस वो आप डाल सकते हैं यहाँ मैंने अनियन ग्रीन चिली कोरिया लीव्स और टोमेटोस लिया है उन सभी चीज़ों को हम अच्छे से बारीक बारीक काट लेंगे और आधा लेमन मैंने इसे स्क्वीज़ किया है और सॉल्ट एंड पेपर डालने वाली हूँ आप इसे अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे सालसा एंड नाचोस का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही यमी लगता है सालसा को आप इस तरह से थोड़ा सा विस्क भी कर सकते हैं या थोड़ा सा सोटे हल्का सा सोटे करके थोड़ा सा कुक कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा आपस में घुल जाए जिस भी तरीके से आपको सालसा पसंद है आप बना सकते हैं ना आवर सालसा इज़ रेडी एंड इट्स टाइम टू इन्जॉय आवर कुरकुरे नाचोस विद द चीज़ी क्रीमी यमी डिप एंड द सालसा इस विंटर्स इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और एक बार आप बनाने लगे ना तो आप इसे हर बार बनाएंगे हर वीक बनाएंगे और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने सजेशंस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा मैं एक नाचोज आपको दिखा रही हूँ डिप लगा कर देखिए आप कैसे इसे स्टिक कर गया है ये फ्लो नहीं कर रहा है दैट मीन्स नाचोज परफेक्ट है सौगी नहीं है डिप की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है एंड द सालसा या कॉम्बिनेशन टिल द नेक्स्ट रेसिपी इन्जॉय कुकिंग एंड एंजॉय ईटिंग